ये लोग है ना यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए थे, मगर इनको समझ में नहीं आ रहा कौन आ गया इधर तक गाड़ी लेके। ये गाड़ी भी पहचाननी पड़ेगी तुम लोगों को अभी, ये भी अपनी गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ फाइनली वी बॉट स्विफ्ट, अल्हम्दुलिल्लाह स्विफ्ट मिल गई, मगर अभी आज इसका फर्स्ट टेस्ट ड्राइव है मेरा। अपने घर की गाड़ी है ये, इसके लिए मैंने लोड नहीं लिया, डायरेक्ट लेके आ गया। मगर इसको भी बहुत इसकी जरूरत है दवा पानी की, इसको भी दवा पानी के लिए भेजेंगे, पहले इसको भेजेंगे फिर इनोवा को। ये गाड़ी भी पहचान लो अभी ये भी हमेशा आती रहेगी फार्म पे। ये देखो गाड़ी चल के खराब नहीं होती है, कभी भी याद रखना गाड़ी पड़े पड़े खराब होती है। क्या होती है? पड़े पड़े खराब होती है, तो ये एक नमूना है उसका। जिस दिन मैं गाड़ी लेने जा रहा था ना उस दिन तक सब सही था, जिस दिन मैं गाड़ी लेने भी जाने वाला था उस दिन हमारे भांजे साहब ने ठुकवा दी। ये देखो ये, और हमारे भांजे साहब कौन, हमारे वही रेहान साहब, पीछे से ठुकवा दिए, ठुकवा कर दिए, ठोक दिया किसी ने आके। अब ये भी चेंज करने का अपने को, अपने को चाहिए थी स्विफ्ट या सेंट्रो, सेंट्रो भी थी और स्विफ्ट भी थी, स्विफ्ट ले लिया हमने, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे अपने को, ये अपने को परवड़ थी इसके लिए ले लिए। मगर ना इसको सख्त जरूरत है अपने सलीम भाई की। सलीम भाई कौन? अपने कार का जो काम देखते है वो सलीम भाई। चलो करीम भाई अंदर चलो, अंदर का क्या हाल है? उसका बेल्ट निकाला, वेरी गुड। एक काम कर, अरे के नीचे बैठा दे कैसा, अरे तेको इज्जत रास नहीं आ रही, ऊपर बैठना है। क्या करना मालूम है? ये सब प्लेटफॉर्म चिटका देना, एक अपना पहले वाला प्लेटफॉर्म है वहां का जो 5x5 का लकड़ी का बनाया अपन ने, वो बाहर है वहाँ, वो लाके वहां डाल देना, तो वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा, पूरा प्लेटफॉर्म लग जाएंगे यहाँ। और अभी मैं आते आते वेल्डर से भी मिल के आया हूँ, तो फिर वो मंडे को आएगा, तो मंडे को अपना ये वाला सेक्शन भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तू कितना क्यूट दिखता है रे, कितना क्यूट दिखता है माशाल्लाह तू। क्या हो गया तेरे को, पैर में दर्द आया? दर्द आया? अरे बाप रे, बहुत क्यूट लगता है यार, बहुत क्यूट लगता है। मैं ना घर के लिए घर पे पालने के लिए एक जानवर लेने वाला था, बेंटन बालों वाला, मगर है ना उसको खस्सी करने का था मेरे, तो खस्सी करूंगा तो पूरे बाल झड़ा देगा, मतलब नहीं रहेगा। इससे अच्छा है ना बन्नूर लेंगे मुंडा और उसको खस्सी करके घर पे छोड़ देंगे, हाँ मस्त पलेगा एकदम, खाते पीते रहेगा वहाँ पे, एकदम मस्त रहेगा। इतना सा तो रहता वो, कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा। इसका स्टाइल देखा क्या तूने मोनू? एक कान है ना हमेशा सिंह पे ले लेता, ये केज खाली है, तो आज ये केज धोएंगा, सामने के जितने बचे रहे एक ये और एक दो तीन बचे ना केज से, तीन केज बचे ले, फिर ये ना मंडे के पहले खस्सियों को भी शिफ्ट करेंगे। ये देखो माशाल्लाह सामने का देखो ना, ये पैर देखे, ये चौड़े देखो पैर, सामने के पैर के अंदर देखो डिस्टेंस दिख रहा तुम्हारा कैसा, ऐसे बकरे लेने के ऐसे चौड़े पैर के, सीना ऐसा खुल के खड़े लाए, ये बकरे ना तैयार होते हैं। ऐसे बकरे लिया करो कोई भी नस्ल के लोग, मगर ऐसे खुले हुए पैरों के लेना तो बकरे तैयार होते हैं, सीना वीना एकदम मस्त बनता है उनका। तो जल्दी जल्दी कर लो ना तो लेट हो जाएंगे अपन, दवाई वगैरह जो आने के बाद करेंगे, जुमा है भाई, जुमा के लिए लेट हो जाएंगे, तो खिला के हो चुका, बाकी का ये लोग वाइंड अप करेंगे, फटाफट जुमा पढ़ के आएंगे, उसके बाद जो भी है वो सब करेंगे दवाइयाँ। इस पर इतनी मक्खी क्यों बैठ रही, मैं वो देख रहा यार, इसको गुसूल भी देना पड़ेगा, अब जाएंगे तो सब होएगा उसका एक टाइम पे, गुसूल रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग सर्विसिंग एक साथ होएगा। नहीं चेक कर रहा था, ये दो बार इस्तेमाल किया मैंने सिर्फ, अभी मेरी कार में सब रहता है हमेशा, अभी ये आज तो अपने हाथ में आई है, अपने हिसाब से जरूरत का सामान रखते जाएंगे उसमें। मैंने बोला इतर ला यार इतर लगाने थे, तो लगाने मैंने लगाया, फिर चेक कर रहा कितना बचे लगे। चलो लेट्स गो, बहुत गंदोड़ी गाड़ी है, बहुत गंदोड़ी, बहुत साफ कर लेगा इसको बहुत। रेहान क्या हाल किया रे तूने, इतनी अच्छी गाड़ी थी ये। हाँ चलो लेट्स गो टू जुमा गाइस, बैठो। नहीं पड़ी क्या बोला? छोटी नहीं पड़ेगी गाड़ी। अबे ये इनोवा नहीं है, ये बोलता है कि ये गाड़ी कैसे लिया आपने, छोटी नहीं पड़ेगी। अबे छोटी चाहिए थी इसके लिए तो ये लिए ना, तो इनोवा नहीं है क्या अपने पास? भाई मेरे को आज ना लिटरली है ना फर्क महसूस हुआ ट्रैफिक में से, ना क्या निकलने के लिए आगे करने के लिए फर्क महसूस हुआ, यही वजह से अपन ने ये गाड़ी ली। ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, मगर जो है इतनी बड़ी गाड़ी चलाने का ट्रैफिक में जान पे आता वो चीज नहीं होगी, क्योंकि अपनी ये गाड़ी के बाद जो गाड़ी आने वाली ना वो अपनी इनोवा से ही बड़ी रहने वाली है, समझा? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलो खाना रेडी है ना, ये लोग दोनों के अंदर नहीं है, अभी ये लोग वो गेट से आए और ये वाला गेट खोले।
चलो खाना खाएंगे, बहुत भूख लगी ली है। लाओ अपनी बिरयानी जो बनी ली है। भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी ना सिर्फ आवाज कर रही है, आवाज मतलब बहुत आवाज कर रही है। ये दुनिया भर का पसारा अपने रेहान भाई ने इसके अंदर समेट के रखे, ये पसारा निकालने का अपने को। मोनू क्या आवाज आ रही थी पीछे से? अरे वो इतना सारा सामान पीछे रखा है, ये बज रहा ना, ये निकालेंगे अपने, साउंड की वैसे भी जरूरत नहीं है। कैसा साउंड है ये सब निकाल देंगे। वैसे भी वूफर वगैरह मांग ही रहा है, वो वूफर भी मांग रहा है, फिर इसके अंदर जो एम्पलीफायर लगा है ना वो भी मांग रहा है। और गेस करो क्या, मेरी जो सिल्वर वाली इनोवा थी ना पहले वाली, उसके अंदर का ये सब निकाल के दिया है मैंने उसको, और वो मुझसे वापस मांग रहा है। चल ले भाई, मेरे को जरूरत नहीं है अभी। मेरे इनोवा का वूफर जो है, अभी वाली जो इनोवा है उसका वूफर जो है वो घर में ऐसे ही पड़ा है, मैं सुनता भी नहीं अभी वैसे भी। मैं अगर कार में रहूंगा ना सवेरे अपने जो मॉर्निंग अस्कार और फिर जाते वक्त इवनिंग अस्कार यही सुनता हूँ मैं गाड़ी में, और कभी मूड हो गया तो फिर साइलेंट म्यूजिक, वो धाकड़ धुंगी वाला म्यूजिक सब बंद। पहले था अपने को भी, देखो इससे एक चीज समझ में आती है, जब जवानी में रहता है ना वो फुल ऑन एंजॉय वाले मूड में रहता है, जैसा मैं भी हुआ करता था। तो जो रेहान का भी ये उम्र है तो इसके लिए वैसा करता है वो, और आप लोग भी काफी सारे लोग ऐसा करते हैं। चलो बिरादर काम पे लगते है, मोबाइल हाथ में रख के सो रहा तू, ये देखो कैसा सो रहा, देखो हाथ में मोबाइल रख के, वाह। और ये देखो प्रोटीन मतलब मसलते हुए, वही सही है। चलो चलो टाइम हो जाएगा फिर निकलने का, टाइम है अभी मेरा 3:15 हो रहे, अब थोड़ा जाने को लेट होएगा। हाँ मगर ये एक बात तो है, बारिश आई तो अपन भीगेंगे नहीं। कल कैसा भीगते हुए गए थे, हमारे व्लॉग्स देखते हैं हमारे आपा देख रहे हैं, मेरा भाई भीग के जा रहा है फार्म पे, तो दे दिए गाड़ी हमारे को गिफ्ट में। कितनी सारी मक्खियाँ देखो, गिफ्ट में कुछ नहीं मिलता, सबकी रकम अदा करनी पड़ती किससे भी लो। हाँ इतना है कि थोड़ी सहूलत मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे चलो ना रे, व्लॉग हो गया मेरा 30 सेकंड का, अभी भी तुम लोग अंदर ही है। 30 सेकंड? हाँ 30 सेकंड तो खींच लिया मैंने, ऐसे ही खींचते खींचते 10-12 मिनट खींच लेता हूँ। चलो सुनना, वो प्लेटफॉर्म लेके आ जाओ उठा के, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म ही लेके जाते, पहले प्लेटफॉर्म का काम निपटाते, फिर जाते अपने गोट रूम में और ब्रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते। आज अपन टोगन लेंगे दोनों, पहले धो लेता केज धो लेता, अबे गाड़ी भी धोनी की है मेरे को। जरा गाड़ी को बाहर से साफ करेंगे ना, अंदर से तो साफ हो जाएगी, बाहर से थोड़ा साफ कर लेते, रोड प्रेजेंस थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो सही रहेगा। अब पूरा रोड प्रेजेंस ये खराब करेगा, ये ना अंदर दबा हुआ था पूरा, ऐसा ही लेके आ गया था घर पे उसने, मैंने खींच के इसको बाहर निकाल के सही किया। नंबर प्लेट भी कौन से जमाने की है बे, हाँ पहले चलती थी ये नंबर प्लेट, अभी नहीं चलती, सब अभी अपने हाथ में ना, अपने सहूलत के हिसाब से धीरे धीरे सही करेंगे इसको। गाड़ी अच्छी है, सिर्फ इसके अंदर पसारा वसारा निकाल देंगे ना तो गाड़ी के अंदर आवाज कम हो जाएगी। अंदर से ना अंडू बकरा ऐसी आवाज कर रहा है ना जैसे वो जुरासिक पार्क पिक्चर में आती ना आवाज, वैसी वाली आवाज कर रहा था एकदम, और वो पूरा शांत है ना अंदर, वो इको होके आ रही थी आवाज, वैसी आ रही थी जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया बंद हो गई आवाज आई। देखो देखे सुने तुम लोगों ने, सेम वैसी आवाज है, अंदर सब डायनासोर ही है, सब आते हैं एकदम छोटे छोटे डायनासोर, फिर उसको बड़ा डायनासोर करके लेते लोग, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करवा भी लेता है हमसे हाँ वो काम। चलो चलो ये वाला वहां का नहीं लगता मेरे को, ये खस्सी का है, चल खस्सी में रख दे इसको, चल लकड़िया भी हिल रही है उसकी, लकड़ियों को स्क्रू मारना पड़ेगा, चल ले ले ये खस्सियों में रख दे, और खस्सी में जो है ना वो वहां रख दे, वो वहां का है। यस वो 5x5 का ये बड़ा बनाए थे हमने खस्सियों के लिए। अब ये सब प्लेटफॉर्म ऐसे ही कहाँ लगेंगे वहां जाएंगे, सब रस्सियां देखो बेल्ट के साथ लगी हुई। ये रस्सियां क्यों रहती मालूम है, कभी भी कोई बकरा बाहर लेने का रहेगा या बकरी बाहर लेगी रहेगी ना, डायरेक्ट हम लोग और गले में रस्सी डालते और खूंटे पे ले लेते। देखिए फिर नीचे बैठा, देखिए इसको प्लेटफॉर्म पसंद ही नहीं आ रहा है। वो कौन आवाज कर रहा था मैं डायनासोर जैसी एकदम, अबे वो कश्मीरी कर रहा है, वो कश्मीरी कर रहा है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म, अभी भी बिकाऊ के लिए है, ये बेचने के लिए है अभी भी, किसी को समझ में आ रहा कांटेक्ट करो ले लो, 50-55 किलो वेट पे है ये, समझ में आ रहा ले लो, समझ में क्या आ रहा, बहुत अच्छी चीज है ले लो, मैं तो बोलूंगा लो और लेके जाओ पालो, किधर पलवाने का पलवाओ। देख ये कैसा बैठा, देखो ना मांडी डाल के पाव पे पाव रख के कैसा बैठा है, देख रहा हूँ बन्नूर ये देख। क्या मस्त लगता माशाल्लाह, अल्लाह इसको नजर से बचाए, बहुत माशाल्लाह चीज है, बहुत प्यारी चीज, क्यूटी क्यूटी, इसका नाम क्यूटी रख दो, क्यूटी नाम इसका आज से क्यूटी।
क्यूटी नहीं, इसका नाम लवली, लवली नाम इसका, लवली, आज से तेरा नाम लवली। ये जा रहा है वहाँ पे और वो बड़ा वाला जा रहा है वहाँ पे, जिस चीज की जहाँ पे जरूरत वहाँ पे जा रहा है। इतनी जगह हो गई, देख कितनी जगह हो गई प्लेटफॉर्म छिटकाने का। इसकी एक्चुअली अपन हाइट बढ़ा सकते हैं प्लेटफॉर्म की, ये प्लेटफॉर्म की हाइट बढ़ा सकते हैं। देखते हैं अभी ये काम जब होएगा ना, देखेंगे जब अगर दिमाग में आए तो बढ़ा देंगे हाइट। अभी एक्चुअली क्या होगा, हाइट बढ़ाएंगे ना अपन तो ये जो पाइप है, ये वाले जो पाइप है ना, वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे हाइट बढ़ेंगे बकरे ऊपर आ जाएंगे, फिर कूद के ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। इसके लिए इसकी भी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ने वाली है, फिर यहाँ पे ही बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो ये प्लेटफॉर्म हम लोग शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, इसको मैंने ना यहाँ पे लिया, तो इसकी बॉडी को मैंने टच किया ना तो मेरे को हीट महसूस हो रही है, तो टेम्परेचर लेना लाजिम हो जाता है। मगर टेम्परेचर ले भी तो किस हिसाब से, क्योंकि ये खा भी रहा है और पी भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिखा रहा, ना नाक बह रही ना कुछ हो रहा, मगर हमारा डाउट क्लियर करने के लिए इस चीज को हम लोग अमल में ला रहे हैं। टेम्परेचर ले लेंगे ना तो एक्चुअल में टेम्परेचर है क्या नहीं है मालूम पड़ जाएगा। अगर टेम्परेचर रहेगा तो फिर उसकी दवाई दी जाएगी उसको, तो फिर उससे उसको आराम पड़ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 17 किलो का बच्चा है ये, 17 किलो का, 17 किलो ही तुला था ना। हाँ टेम्परेचर है कितना दिखा रहा है, 102.1 मतलब के चल रहा है, ठीक है अब तलब के ठीक है। देखो क्या दिखाता है, ये देखो 102.1, ये टेम्परेचर नहीं है, दिस इज नॉट टेम्परेचर। 102.1 टेम्परेचर को काउंट नहीं किया जाएगा, 102.5 भी होता तो नहीं कंसिडर किया जाता, 103 भी होता ना तो थोड़ा ठीक था, ऐसा कुछ इतना ये नहीं था, मगर अभी क्या क्लाइमेट ज्यादा गर्म नहीं है, 103 भी टेंशन वाला रहता, टेंशन वाला मतलब वैसा वाला नहीं मगर रहता। चलो एक ये प्लेटफॉर्म भी लग गया, आई शाबाश, चलो मीटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तू क्या चालू करता है, कभी तक धोएगा तू, कल पे डाल दे, कल पे उसको कल पे डाल दे, अभी अंदर चलो। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट। अबे इसने गले में से रस्सी निकाल दिया, देख अंदर गोट रूम में। आज कुछ इतना खास हाथ में नहीं लगा, मगर लगेगा इंशाल्लाह। मैं क्या बोला था, सबर सबर करते रहो। फिलहाल अब फिलहाल हम लोग अब इसको धोने को जा रहे हैं, धो रहे हैं इसको, बहुत मक्खी बैठ रही इस पे, काई के लिए बैठ रही है समझ में नहीं आ रहा। हाँ रगड़ो रगड़ो जोर से रगड़ो, मेरा काम हो गया, मैंने इंटीरियर क्लीन किया थोड़ा सा, गिल्ले कपड़े से पोछ वोछ के लिए सब हुआ मेरा। अभी मोनू कर रहा है अपना काम, मैं तो हमेशा बोलता था भाई यार कार बहुत गंदी हो गई है अपनी इनोवा को, बोले धो देंगे, मतलब ये तू मत कर, ये दूसरा कोई करता है। आज इसको इतनी जरूरत थी ना धोने की, इसको मैंने बोला तू कर आज, अपन सब मिलके करते, तो मोनू भी लगा है, मेहताब भी लगा है, मैं भी लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या दिख रही साफ होने का था, अंदर से भी साफ होने का, क्या मस्त लग रही। अब वो जो चीजें बज रही है ना वो निकाल देंगे ना एक बार तो एकदम स्मूथ हो जाएंगे अपनी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसका सर्विसिंग होने की, सब कुछ होने का है। अपने सलीम भाई बीमार है, उनको खुद अभी डॉक्टर की जरूरत है, तो इसका डॉक्टर अभी बिलाल बीमार है, उनको खुद को डॉक्टर की जरूरत है। गाड़ी तो एकदम साफ होके चमकने लग गई भाई साहब हमारी। अब फिलहाल हम ये काम कर रहे हैं, ये प्लास्टिक के अंदर से एक पीस चाहिए अम्मी को, अगर आज नहीं लेके गया ना तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी। अभी अपने को इसमें से निकालने का है 8x15 का पीस। चलो शुरू करते हैं। बहुत दिन से बोल के रखे अम्मी ने, अभी मेरे को निकलने से पहले याद आया, वो गाड़ी साफ हो गई, अभी निकलने की तैयारी कर रहा था मैं, तो वही करेंगे। ए मौलाना कल आएंगे, मौलाना की दरअसल ना तबीयत खराब है, अभी हम लोग मस्जिद में गए थे तो मैं पूछा क्या हो गया, 2 दिन से नहीं आए, तो बोले यार तबीयत खराब है तो इसके लिए नहीं आ रहे थे। बाकी क्या मस्त लग रही, देखो चमक गई अपनी स्विफ्ट। वाह मेरा निकलने का समय हो चुका है, दवाई करने की बची थी, वो दवाई भी कर दी है, प्लास्टिक ले लिए, गाड़ी साफ हो गई, अब इसके अंदर का जो पसारा है वो निकालने का है, वो जाते जाते रास्ते में निकालेंगे। फिलहाल फार्म पे से निकलते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं इसमें डाल देते 400-500। हाँ मुर्गियों को डाल दे इसके अंदर, अपना पड़ पड़ा के फूक के डाल दो। यार बड़ी महंगी दवाई थी एक, वो मुर्गी ने गिरा के फोड़ डाली, तो मैंने बोला मौलाना आएंगे जब आएंगे तुम लोग डाल दो मुर्गियाँ उसके अंदर, मेहताब अपना आधा मौलाना है वो पड़ देगा।